कहां पे गए? अहमद फराज ये बताएगा कि इस वक्त पुलिस क्या अब तक उनका ताकुब कर रही है? जी तालिब, इसमें सबसे अहम बात यह है, ये आप देख रहे होंगे, ये जिस कार को भी सर्च किया जा रहा है, ये कार के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये हमलावरों की गाड़ी हो, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये गाड़ी किसकी थी। इस गाड़ी से फिलहाल इसकी डिग्गी से एक रस्सा बरामद हुआ है, एक बैटरी बरामद हुई है और एक स्टेपनी इसमें बरामद हुई है, एक स्पेयर बैटरी भी है यहाँ पर, वो बरामद की गई है, पुलिस ने ये बरामद की। और ये CNG गाड़ी है और इसके ये हुंडई है, सफेद कलर की गाड़ी है, जिसको मजीद चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम इसकी तलाशी कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस कार के साथ कोई बम नष्ट हो, लेकिन बम डिस्पोजल ने फिलहाल इसको क्लियर कर दिया कि इसके साथ से बम तो कोई नहीं मिला, लेकिन फिलहाल कार की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ एक अहम जो है वो बात भी है, जिस वक्त सबसे जो हमलावर थे उन्होंने अपने असलहे से बड़ा बैग जो अलफते स्टोर से बाइट से पुलिस ने बरामद किया है, इसके साथ साथ शहर में 3 और मुकाम से भी असलहे के बैग मिले हैं, जिनमें 2 मक्का कॉलोनी और 1 7 अप फाटक है। यूं ये जो जगह है ये पूरी गुलबर्ग का एरिया ही कहलाता है जहां से ये बैग मिले हैं। ये 4 बैग हैं जो असले से भरे हुए मिले हैं और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर ये आपको कार नजर आ रही है, ये लिबर्टी राउंड अबाउट है और यहां पर फायरिंग की गई है। हमलावरों ने यहां पर छुप के यहां पर पुलिस की गाड़ियों पर और श्रीलंकन टीम पर फायरिंग की और इस फायरिंग के बाद इस रोड पर इसके बाएं तरफ देखा जाए तो काफी स्टेडियम है, जबकि सीधा इसके बिल्कुल वो माल की तरफ रास्ता जाता है और इसके पीछे जो अकब है वो अकब वाला जो रोड है वो फिरोजपुर रोड की तरफ से जाते हैं, फिरोजपुर रोड की तरफ जाता है। और इससे पहले भी ये जो रूट है यहाँ पर जहाँ ये वाकया पेश है, माजी में जब भी कोई क्रिकेट की टीम को कदापि स्टेडियम में जाया जाता था तो यहाँ पर पुलिस की